क्या आप नेटवर्क मार्केटिंग में हैं? क्या आपको पार्टनर हैंडलिंग करना पड़ता है और क्या आपसे ये पार्टनर हैंडलिंग का काम हो नहीं पा रहा है? और यदि ये पार्टनर हैंडलिंग आपसे हो रहा है तो रिजल्ट्स जो है सो एस एक्सपेक्टेड नहीं है। तो दोस्तों यदि आपको भी ऐसी समस्या है तो इस वीडियो को पूरे अंत तक देखें, आपकी सारी प्रॉब्लम्स इस वीडियो में मैं दूर कर दूंगा, क्योंकि ये वीडियो पार्टनर हैंडलिंग पर है। और ये वीडियो मैं जैसे तैसे नहीं बना रहा हूँ, मैं इसे बहुत ही रिसर्च करने के बाद बना रहा हूँ। तो चलिए बिना देर किए हुए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले प्रोस्पेक्ट को कुछ भी पता नहीं होता हमारे बारे में कि क्या कंपनी है, कैसे रह रहे हैं, क्या कर रहे हैं। उसे बस उतना ही पता रहता है जितना आपने उसे बता रखा है। तो सबसे पहले प्रोस्पेक्ट जो है सो अपने घर पर आता है और फर्स्ट डे हमारे रूम पर आता है। तो जब वो रूम पर पहुंचता है तो उसे सबसे पहले 15 से 20 मिनट बातें कीजिए। उससे ये पूछिए कि सफर कैसा रहा, घर पर सभी कैसे हैं, और उससे भी जरूरी बात ये कि आपको उसके पेरेंट्स से एक क्लोज रिलेशनशिप बनाना है, उन्हें यकीन दिलाना है कि उनका बच्चा सही हाथों में है। तो उसके ही फोन से आप उनको फोन कीजिए और उन्हें बताइए कि उनका जो बेटा है या बेटी है वो सही सलामत पहुंच चुका है और वो आपके पास है। आप उसका बहुत ही ज्यादा ख्याल रखेंगे और उन्हें ये भी बताइए कि 3 दिन की ट्रेनिंग है और 4th दिन जो है सो इंटरव्यू होगा, और यदि वो इंटरव्यू में पास होता है तो उसे यहाँ पे सेलेक्ट कर लिया जाएगा। बस इतना सा बात कह के आपको फोन काट देना है और अपने प्रोस्पेक्ट को आराम करने के लिए बोलना है। और यदि आसपास कोई मार्केट है या घूमने लायक जगह है तो उसे वहाँ पे ले जाना है ताकि उसका वहाँ पे मन लग जाए। और जब वो आपके साथ रहे तो आपको उससे खुल के बातें करना है, क्योंकि वो आपके ही कहने पर आया है और आप यदि उसे सही से बात नहीं करेंगे तो आपका पार्टनर रुक नहीं पाएगा। तो चलिए फर्स्ट डे क्या करना है। जब आप अपने पार्टनर को रूम से सेंटर तक ले जाते हैं, वैसे आमतौर पर सेंटर से रूम की दूरी लगभग सभी की 1 से लेकर 1.5 किलोमीटर तक रहती है। तो हम क्या करते हैं, रास्ते में कुछ बोलते नहीं हैं, चुपचाप चलते जाते हैं। तो क्या होता है कि पार्टनर के मन में बहुत सारे क्वेश्चंस खड़े रहते हैं। तो हमें क्या करना है, पार्टनर के हर एक सवाल का सही से तुरंत जवाब देना है और उसे ये बताना है कि भाई सुन, हमारी जो ट्रेनिंग सेंटर है ऐसी है, इसमें कोई कंप्यूटर वगैरह नहीं है, इसमें जो है सो सिर्फ ट्रेनिंग दी जाती है और हम आपके लिए ही हैं और आपको ट्रेनिंग दिलाने के लिए ही आज हम फ्री हैं। तो आपको जो है सो वहाँ पे स्टूल मिलेगा, टेबल मिलेगा और आपको वहाँ पर बैठना है और 3 से लेकर 4 घंटे तक भी आपको वहाँ पे बैठना पड़ेगा और बहुत सारे अच्छे अच्छे सीनियर्स आएंगे और आपको बहुत सारी बातें बताएंगे और बाकी आपको कुछ बताना नहीं है, बस थोड़ी सी ट्रेनिंग का और अपने सीनियर्स का टीअप कर देना है। फिर क्या है, फर्स्ट डे जब ट्रेनिंग हो जाती है तो पता चलता है कि बिजनेस है और यहाँ पे पैसे इन्वेस्ट करना पड़ेगा। तो पार्टनर जैसे ही रूम पर आता है वो बहुत सारे क्वेश्चंस करने लगता है कि यार ये बिजनेस है, यहाँ पर तो पैसे इन्वेस्ट करना पड़ेगा, और भी बहुत तरह तरह के सवाल करेगा, पर आपको कुछ बताना नहीं है, बस आपको उसके सवालों के बस नॉर्मल से जवाब देने हैं। उसे बस इतना बताना है कि बिजनेस है, यहाँ पे एक डायरेक्ट सेलिंग का बिजनेस किया जाता है और यहाँ बहुत सारे लोग काम करते हैं, और क्या इसकी प्रोसेस है, कैसे लोग काम करते हैं, उसके लिए आपको 3 दिन की ट्रेनिंग लगानी पड़ेगी और वेट करना पड़ेगा। और उसे ये एग्जाम्पल देना है कि सुन भाई, यदि मैं तुझे 3 दिन का खाना 1 दिन में खिलाऊं तो क्या तू खा पाएगा? नहीं खा पाएगा, इसलिए आपको थोड़ा सा पेशेंस रखना पड़ेगा। तो कल आपको सब कुछ पता चल जाएगा कि कैसे करना है, क्या करना है। बस इतना कुछ बता के उसे रिलैक्स करने के लिए बोलना है। तो जैसे ही हमारा सेकेंड डे होता है, हम अपने पार्टनर को ट्रेनिंग सेंटर ले जाते हैं और रास्ते में डायरेक्ट सेलिंग का थोड़ा सा टीअप कर देना है कि कैसे आज डायरेक्ट सेलिंग पर एक बहुत ही इंटरेस्टिंग क्लास होने वाली है और क्या क्या इंटरेस्टिंग चीजें आप सीखने वाले हो। उसके बाद फिर वो आपका पार्टनर जो है सो दूसरे दिन की क्लास लगाता है और उसके बाद आप उसे रूम पर लेके आते हैं। तो उसे पता चल जाता है कि डायरेक्ट सेलिंग क्या होती है और उसे क्या क्या करना है। उसके बाद उसके सारे सवालों का आपको आराम से जवाब देना है। और यदि आप नए हैं तो आप ये जरूर कोशिश करें कि आप उसे अपने किसी अपलाइन या क्रॉसलाइन या किसी ऐसे सीनियर से मिलवाएं जो ज़्यादा अनुभवी हैं, क्योंकि आपको पूरा कोशिश करना है कि जब वो कोई सवाल करे तो उसे कोई डाउट ना हो आपके जवाब से, क्योंकि यदि आपके सवाल से या आपके जवाब से उसे कोई डाउट हो जाएगा तो फिर वो रुकने वाला नहीं है, क्योंकि वो आपके ही भरोसे पर आया है और यदि आपके ही जवाबों में उसे डाउट लगेगा तो फिर वो नहीं रुकेगा। इसीलिए किसी की आपको हेल्प लेना है या सवालों का सही सही जवाब देना है, क्योंकि आपको मन में ठान लेना है कि ये जो पार्टनर है उसे डन करा के ही रहना है, क्योंकि आप आए थे, आपने जब ज्वाइनिंग की तो ये भी
करेगा ही। तो ऐसे पॉजिटिव सोच लेके आपको चलना है। अब जैसे ही थर्ड डे होता है तो सबसे मेन चीज जो है वो है कैलकुलेशन। तो जैसे ही हम अपने पार्टनर को तीसरे दिन के लिए ट्रेनिंग सेंटर पर ले जाते हैं तो उसे ये बताना है कि आज की जो क्लास है वो होने वाली है कैलकुलेशन पर, और ये अब तक की सबसे बेस्ट क्लास है। मैंने भी जो है सो इस कंपनी को ज्वाइन किया था इस क्लास को देखने के बाद। सारा निचोड़ इस क्लास में है क्योंकि उसे पता चल जाता है कि लोग इस कंपनी से 1 लाख से 1.5 लाख भी कमा रहे हैं, और ये जो हार्ली डेविडसन बाइक है, BMW है, जेगुआर है, ये लोग कैसे इसे ले पाए ये इस क्लास में तुम्हें पता चल जाएगा। एक एक रुपए कैसे इस कंपनी में कमाए जाते हैं, कैसे लोग शुरू करते हैं 1000 से और उसके बाद लाखों कमाते हैं, सब कुछ का निचोड़ इस क्लास में है। देखिए क्या होता है, कई पार्टनर्स ऐसे होते हैं जो सेकेंड डे ही नेगेटिव हो जाते हैं जब उन्हें पता चलता है कि यहाँ पर डायरेक्ट सेल का काम है। इसीलिए अपने पार्टनर को कैलकुलेशन की क्लास देखने के लिए पूरा हाइपर कर देना है। उसे ये कहना है कि भाई ये क्लास तू देख ले लास्ट, यदि आया है ट्रेनिंग करने के लिए तो बेशक ज्वाइन मत करना, पर ये क्लास जरूर देख लेना, हो सकता है आज की जो नॉलेज है वो कभी ना कभी भविष्य में काम आ जाए। तो बस इस तरह से उसको कैलकुलेशन की क्लास देखने के लिए हाइपर कर देना है, और कैलकुलेशन की क्लास भी एक बहुत ही अच्छे सीनियर से, एक मार्किस सीनियर से करवानी है जिससे कि उसका हौसला बढ़े। और पार्टनर जो है सो जैसे ही कैलकुलेशन देखता है उसे उसके सामने उसके ड्रीम्स दिखने लगते हैं, तो इसे होता क्या है, पार्टनर खुद ब खुद ही हाइपर हो जाता है, और जिसने मन में ठान लिया है कि बिजनेस करना ही है वो जरूर बेशक ज्वाइन करेगा। और इस क्लास के बाद यदि पार्टनर से जबरदस्ती करोगे तो वो कभी रुकने वाला नहीं है। और आपको ये भी बात ध्यान रखना है कि जब आप अपने पार्टनर को इनविटेशन कर रहे हो तो आपको ये बताना है कि यहाँ पे जॉब नहीं बल्कि यहाँ पे बिजनेस है, सारा काम ऑनलाइन होता है, परचेसिंग और सेलिंग का काम होता है। तो जब आप ये सब कुछ सच सच बताओगे इनविटेशन करते वक्त तो आपका जो पार्टनर है सो कैलकुलेशन के बाद नेगेटिव नहीं होगा। और यदि आप उसे झूठ बोलकर बुलाते हो और आपका पार्टनर ज्वाइन कर भी लेता है तो ज्यादा दिन तक वो टिकेगा नहीं, वो 15 या 20 दिन के अंदर नेगेटिव होकर वापस चला जाएगा। इसीलिए देखिए साफ सुथरा काम करना है, इससे क्या होगा कि आपको भी कोई दिक्कत नहीं आएगी और हमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, हमें का मतलब मार्किस या तो फिर ट्रेनिंग सेंटर चलाने वाले लोगों को दिक्कत नहीं होगी। तो इस तरह से दोस्तों आपको पार्टनर हैंडलिंग करना है, और आपको बहुत ही ज्यादा मेहनत करना है, और इस तरह आप यदि पार्टनर हैंडल करते हो तो आपको जो है सो रिजेक्शन बहुत ही कम आएगा, ना के बराबर आएगा। तो दोस्तों आपको ये वीडियो कैसा लगा मुझे जरूर बताएं, और वीडियो को लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, और यदि अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आगे भी ऐसे वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।